वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके दिलों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्टार्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटवारी ट्रेनिंग से संबंधित। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अब पटवारियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है डिस्ट्रिक्ट में, इसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं ट्रेनिंग से संबंधित सभी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेनिंग पीरियड की, भाई आपकी ट्रेनिंग पीरियड कितने दिनों की रहने वाली है। तो जो राजस्थान में ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो आपका 6 मंथ का रहता है। 6 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है, यानी कि 6 माह तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। अब ट्रेनिंग सेंटर की बात कर ले कि भाई आपकी ट्रेनिंग कहाँ चलेगी, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में 100+ कैंडिडेट है, जिस डिस्ट्रिक्ट में 100+ कैंडिडेट है वहाँ अस्थाई ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, और 7 जिलों में तो स्थाई ट्रेनिंग सेंटर पहले से है। ठीक है, 100+ कैंडिडेट जहाँ हैं वहाँ अस्थाई बनाए गए हैं, और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 100+ नहीं है तो वो पास के डिस्ट्रिक्ट में उसकी ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो ट्रेनिंग सेंटर से संबंधित लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप जाकर अपना ट्रेनिंग सेंटर देख लेना। अब आगे बात करें ट्रेनिंग टाइमिंग की, कि भाई जो सुबह से शाम तक आपकी जो ट्रेनिंग टाइमिंग रहने वाली है वो कब कब रहने वाली है। तो ट्रेनिंग टाइमिंग जो आपकी रहती है वो 9:30 से 9:30 आपकी जो रहेगी 5:30 बजे तक। कितनी बजे तक? 5:30 बजे तक। यानी कि दिन में जो ट्रेनिंग आपकी शुरू होगी सुबह 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक आपकी ट्रेनिंग चलती है। और सप्ताह में ये आपकी जो ट्रेनिंग चलती है इसमें 2 दिन की छुट्टी रहती है, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक ही आपकी ट्रेनिंग चलती है। शनिवार और संडे को आपको यहाँ छुट्टी रहती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम ट्रेनिंग शेड्यूल की, कि भाई ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या कराने वाले हैं, वहाँ आपको क्या क्या होगा। तो ट्रेनिंग में आपको एक तो प्रैक्टिकली भी वहाँ प्रैक्टिकल कराए जाएंगे और थ्योरी भी आपको वहाँ कराई जाएगी। ठीक है, फील्ड वर्क भी कराया जाएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों प्रकार की ट्रेनिंग सेशन चालू होते हैं वहाँ। और आपको जमीन से संबंधित नक्शे बनाना सिखाए जाएंगे, जमीन नापना सिखाए जाएंगे, और तहसील प्रशिक्षण भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, और अब बात करें प्रोबेशन पीरियड, यानी कि जो ट्रेनिंग चलेगी आपकी 6 महीने की, तो आपको पता होगा 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें ये ट्रेनिंग काउंट होगी नहीं होगी। तो ये जो ट्रेनिंग है वो प्रोबेशन पीरियड में बिल्कुल आपकी काउंट होगी, यानी कि 6 महीने आपके ये है ये प्रोबेशन पीरियड में काउंट होगी, इसके बाद आपको 1.5 साल और जो है करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोबेशन। फिर बात करते हैं सैलरी, कि ट्रेनिंग के अंदर आपको सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो देखो, यहाँ ट्रेनिंग के अंदर आपको भत्ते वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको जो सैलरी है वो ज़रूर आपको दी जाएगी, जो राजस्थान में लगभग 14,600 रुपये के कुछ प्रोबेशन पीरियड में आपको मिलती है। ठीक है, भत्ते वगैरह जो अलाउंस वगैरह है वो आपको नहीं दिए जाएंगे प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है, फिर बात करते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग एग्जाम, यानी कि आप सभी को पता होगा कि भाई ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम लिया जाता है आपका, और उस एग्जाम को आपको क्लियर करना जरूरी है। अगर वो एग्जाम आप क्लियर नहीं करते हो तो आपका जो स्थायीकरण है, यानी कि आपको पता होगा प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद आपका स्थायीकरण होता है, वो स्थायीकरण नहीं किया जाएगा। तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी है। वैसे तो वो आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि आप जरूर क्लियर कर पाओगे, और अगर नहीं कर पाओ तो भी इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं है, उसके बाद में आज से वापस फिर से एग्ज़ाम लिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो तो आपको पटवारी नहीं बनाया जाए, नहीं, आप बिल्कुल पटवारी बनोगे, लेकिन आपका स्थायीकरण बाद में लेट होगा, फिर जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर जाओगे तभी आपका स्थायीकरण होता है। ठीक है, ये था ट्रेनिंग से संबंधित सारी जानकारी, और आपके जो भी डाउट हो हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपका पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।